नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरजपुरिया और आज हमारे साथ हैं व्लॉग्स रचित और भाई मृत्युंजय हैं। आज दो नहीं त्रिदेव हैं, आज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज भाई हम मार्कशीट से रिलेटेड कुछ काम के लिए आए थे, डिग्री वगैरह साइन करवाने के लिए आए थे, तो हमने सोचा भाई कॉलेज की डिमांड ज़्यादा आ रही है, मॉल वगैरह की इतनी डिमांड नहीं आ रही। बंदे कह रहे थे कि भाई कॉलेज जो अदर कॉलेज है NIT के आसपास उनका व्लॉग लाओ। एक्चुअली हम आज गलगोटे कॉलेज में आए थे, ये NIT के पास में ही है, तो हमने सोचा यहाँ का व्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे गलगोटिया का A to Z। हम एक्सप्लोर करेंगे एक एक चीज, वो हम आपको पूरा ब्लॉग में दिखाएंगे। बने रहिए। और भाई बहुत बड़ा कॉलेज है, कुछ पता नहीं कितना टाइम लगे, देख सकते हो आप। ठीक है, हमें पिछली बार भी आए थे हम पिछले संडे को, तो बंद मिला था, हम इसका व्लॉग बनाने के ही पर्सपेक्टिव से आए थे। ठीक है, प्रॉब्लम क्यों हुई पता है तुझे? गार्ड ने पूछा कि बोलते कार्ड कहाँ है तुम्हारा। इस बार भाई लोग हमने आपके लिए सिर्फ आपके लिए हमने घुसने की कोशिश करी है। घुसने के लिए हमने भाई हमने बता दिया सीधा, भाई हमने बता दिया हमारे भाई सब्सक्राइबर हैं, कुछ प्यार देने वाले बंदे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं आपके कॉलेज की यूट्यूब पे कोई अच्छी खासी वीडियो भी नहीं पड़ी है, तो हम सोच रहे हैं हम आपके जो कॉलेज का वीडियो ओवरव्यू दिखा के उन बंदों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अब बंदे भाई इतनी दूर दूर रह रहे हैं, कोई राजस्थान में कोई कर्नाटक में, अब वो आ तो सकते नहीं है रोज विजिट करने। ठीक है ना, तो इसलिए हम भाई आज आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आए हैं, तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो हाँ, एक बात और बता दूँ मैं आपको कि हमारा कॉलेज जो था हम उससे अवेयर थे कौन सी चीज़ है, पर हाँ पर ये जो गलगोटिया कॉलेज है ये भी हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, हमें नहीं पता। जैसा आप देख रहे हो वीडियो में कौन सी जगह क्या है, हम भी उसी प्रकार से जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा डिस्कवर करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है भाई, बने रहिए व्लॉग के साथ, लेट्स बिगन। तो गाइस ये दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा ब्रांड गलगोटिया कैंपस 1। ठीक है, ये बिल्कुल कॉलेज है, गलगोटिया कॉलेज है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो बोलता है इंटरनेशनल सर्किट के पास है, उसका भी हम ब्लॉग बनाएंगे बहुत जल्दी। हां भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये आज हम गलगोटिया कॉलेज का ब्लॉग बना रहे हैं। तो आज गलगोटिया कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, बिल्कुल मेट्रो के बगल में है। ठीक है, परीचौक के नियर। यहाँ कुछ बंदे एडमिशन के लिए आ रहे हैं और क्लास भी चल रही है काफ़ी। ठीक है, तो भाई ये देख सकते हो पार्किंग, हमने यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर दी है। ठीक है, यहाँ बाइक खड़ी कर सकते हो, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। अब पीछे तक रोड जा रहा है, वहाँ पार्किंग ही है। ठीक है, ये पूरा ग्राउंड है इसका, ये देख सकते हो। ये भाई पूरा ग्राउंड है इसका। ठीक है, NIT से थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, मेरे को भी बड़ा लग रहा है। हाँ, पर धूप हो रही है भाई, अब ये समझ लो अब गर्मियों का टाइम आ चुका, कोई नहीं बैठा बंदा यहाँ। ठीक है, गर्मी लग रही है बंदों को। चलो आओ, आपको एंट्री गेट में ले चलते हैं। देख लीजिए क्या कलाकारी कर रखी है, बहुत अच्छी गलगोटिया लिखाई है घास से। हाँ, गलगोटिया लिख रखी है और कितना मस्त लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ हमारे NIT में भी ऐसा हो, पेड़ पत्थरों से बनाया जाए। ये देख लीजिए भाई, पूरी ये पत्थर से फैब्रिकेट करी गई है। अरे NIT से पुराना कॉलेज है ये। हाँ, पेड़ पौधा बहुत, देख लीजिए ये इसका एंट्री है, फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं। ये देखिए भाई फाउंटेन वगैरह लग रहे हैं, काफ़ी सुंदरता बढ़ाने के लिए, चार कॉलेज की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। ये देखिए, और हरियाली देखिए भाई, ये पेड़ों से ही महकता है सारा कॉलेज को ही हो। ठीक है, अगर पेड़ ना हो, पेड़ पौधे होने चाहिए कॉलेज में, बहुत नेसेसरी चीज़ है, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, नो इशू। और भाई ये देख लीजिए, ऐसा लगता है किसी पार्क में आ गए, सिटी पार्क में, काफ़ी बहुत अच्छा कैंपस है भाई। कॉलेज बाहर बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से और भी अच्छा होगा। नहीं, अंदर यार मैंने देखी है, क्लास काफ़ी अच्छी है। जब मैं एक सेंटर पढ़ा था ना, एग्ज़ाम देने आए थे, हमारा सेंटर पढ़ा था जब हम एग्ज़ाम देने आए थे, जब हमने क्लास भी देखी थी, एग्ज़ाम देने काफ़ी साफ सफाई है। ये देखिए, वाओ, सब ब्यूटीफुल, और बाहर से तो भाई और भी अच्छा है। ये भाई देख लीजिए फाउंटेन चल रहे, कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स वगैरह भी दिख रहे होंगे आपको थोड़ा बहुत। मास्क सबने लगाया हुआ है? हमने नहीं लगाया, मास्क हटी दुर्घटना घटी, तो मास्क लगा के आए भाई, हो एडमिशन लेने आ रहे हैं। मैंने भी तारा धूप ज़्यादा हो रही है। अगर मास्क नहीं है आपके पास तो रुमाल बांध लें, गमछा बांध लें। आई लव दिस फाउंटेन भाई, व्हाट अबाउट योर रियली वेरी लविंग दिस फाउंटेन? या आई लाइक इट भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमारे कॉलेज में भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी अपग्रेड कर रहा है हमारा कॉलेज। हमारा कॉलेज कैंपस में अच्छा ना हो, मतलब गलगोटिया के बराबर कंपेरेबल ना हो, पढ़ाई अच्छी हो, प्लेसमेंट पढ़ाई और अच्छी, बेटर देन गलगोटिया, मतलब हर कोई कॉलेज हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। तो गए हम यहाँ से आए हैं, फाउंटेन वगैरह चल रहे हैं, हम पार्क में खड़े हैं, चार पांच पार्क हैं, हमने एक चूज कर लिया आपके लिए। पार्क ग्राउंड है यहाँ का गलगोटिया का, काफ़ी पार्क जैसा ही है, छोटे छोटे हैं। पेड़ पौधे देख के यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अब, हरियाली देख के यार, इसकी बर्ड्स की आवाज़ भाई यार, लिटरली
अब पेड़ पौधे हैं तो भाई वो भी दिखेंगे आपको, तरह तरह की पक्षी भी दिखेंगे। अपना सेंटर यहाँ पड़ा था इस वाले में, ऊपर क्लास सी पेपर देने रहता था। और भाई उधर देख लीजिए, उधर आपका कैफेटेरिया वगैरह कैंटीना भी आपको पास में जाके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर मौका पड़ा तो अंदर क्लास में भी दिखाएंगे किस तरह की क्लास है, ठीक है। तो आप बने रहिए इस व्लॉग के साथ, ये देख लीजिए आप। ये देखिए भाई, सब पेड़ से ढकी हुई है, कोई दिखाने लायक नहीं है, देखो इतनी हरियाली है, ठीक है। तो बने रहिए भाई, कैंटीन में चल के वो बताते हैं। तो गाइस दिस इज द कैंटीन, आप देख सकते हो, हट हट साइड हो दोबारा का भाई, ये कैंटीन है आपके, सब अपने भोजन का पानी कर रहे हैं। यहाँ पीछे हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, देखो कितना ऊँचा है, ये देखिए हमें दिख गया। और गर्ल्स भी दिखाएगा तो आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो खाने पीने का सारा कॉर्नर है, आप ऐसा नहीं है भूखे मत रहना भाई, कमजोरी आ जाएगी, बस खाना पीना टाइम पर करते रहना, हॉस्टल मिलता रहेगा। हाँ हॉस्टल लाइफ में दोस्तों के साथ कभी भूखे रह नहीं सकते, घर से तंदुरुस्त आता है फिर भूखा पतला होके जाता है। ये भाई, ये भाई पीछे कुछ छाया में बैठे हैं, कुछ सब नेचुरल छाया है, कोई अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भाई सही में मैं इंप्रेस हो गए, देखो क्या डिज़ाइन बना रखे ब्लॉक सी के ऊपर, बोतलों से ऊपर, कुछ भाइयों अपने स्टूडेंट्स ने कुछ कलाकारी कर रखी है। हाँ यार अच्छा लग रहा है यार, ये वो प्लांट भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर है गलगोटिया का, बोतल का, ये बंदे कुछ खड़े हैं, ये अपना ग्राउंड है, ये क्लासेस हैं, देखो क्लासेस के बगल में भी छोटा सा पार्क है बैठने के लिए, ठीक है। बहुत भाई मैं हरियाली से भाई बहुत इंप्रेस हुआ हूँ यहाँ की से, प्लेसमेंट कैसे भी हो पर कैंपस काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट कैसे है भाई रचित भाई इसके? ठीक है, एज नॉर्मल, पर एनआईटी के कंपेरेबल है, थोड़ा ज़्यादा ही भाई, थोड़ा कम बोल मैं, थोड़ा मैं सोच रहा था आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि गाड़ी की पार्किंग कहाँ है, वो छोटी सी पार्किंग लग रही थी तो हमें भी नहीं पता था। और देख लो ये गाड़ी वगैरह खड़ी है स्टूडेंट्स की, बाइक वगैरह खड़ी है, ये स्टाफ वगैरह की भी यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी अच्छा स्पेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, और सेफ्टी तो है, यहाँ से कोई कौन उठा के ले जाएगा आपकी गाड़ी, काफी अच्छा एकदम कॉलोनी टाइप का बसा रहा है, स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं काफी, बिल्कुल ऐसा लग रहा भाई गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए हूँ। चलो भाई अब बाहर से आपको कुछ दिखाते हैं, कुछ नया कुछ एक्सप्लोर कराने को मिलेगा। कैंटीन, ये कैंटीन का पीछे का व्यू है, ये अभी भाई कुछ फैब्रिकेट हो रहा है यहाँ का, स्ट्रक्चर काम चल रहा है हमारी, तो भाई कुछ कर रहे हैं अभी, लकड़ी फकड़ी काम चल रहा है। चलो आगे से आपको कॉल करते हैं, आगे चलो। इसको कुछ भूख लग रही थी, कुछ ऑर्डर कर रहा है कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसे भी कुछ प्यास लग रही थी, मैंने कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे ना? हाँ कोको कोला सही है, हर चीज अवेलेबल है कैंटीन, बहुत मस्त कैंटीन है। ये बैठे हैं अपने यहाँ पे, हमने कुछ स्पोर्ट कराए, देखो फुटबॉल का एक कोर्ट है या फिर कुछ प्लेग्राउंड कह लो, यहाँ पे कुछ बच्चे बच्चे नहीं है, स्टूडेंट्स बोलो, बच्चे तो कहाँ आए भाई, बीटेक में पढ़ रहे हैं, ठीक है। गैज बोलो, हाँ ये अपना भाई वो है डॉगी, ये भी अपना कुछ खेल रहा है वहाँ, फुटबॉल खेल रहे हैं बंदे, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो ये रहा, ठीक है। फुटबॉल खेलने का ग्राउंड है, फुटबॉल बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, ग्राउंड तो एक ही, देखो ये लग रहा, बैडमिंटन वगैरह सब खेल सकते हैं, खेल तो कहीं भी सकते हो, पूरा ही ग्राउंड है, कहीं भी अपने लगाओ बैट वाला ग्राउंड पार्क। वो भाई कुछ झोपड़ी सी अंदर कुछ बना रखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, खेलने के लिए अलग स्पॉट है, बैठने के लिए अलग स्पॉट है, ग्राउंड भी है पार्क भी है। चलो भाई अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कुछ मिलता था आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है। कुछ इनकी वार्डन वाट लगा रहा है, देखो कुछ लाइन से इनकी, और वो देखो सोलर पैनल सा लगा हुआ है बहुत सारे कहाँ पे, अरे हाँ ये तो हमारे कॉलेज में भी लग रहे हैं भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है आज की डेट में, ठीक है। इससे बिजली भी बचती है और काफ़ी सस्ता भी रहता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सोलर पैनल। ऑफकोर्स तो मैं भी कह रहा हूँ मृत्युंजय अपने घर पे लगवा लो सोलर पैनल, मैं लगवाने वाला हूँ 2-3 महीने में। हाँ तो तुम्हारा बिजली का बिल बिल्कुल आधा हो जाएगा। ये ग्राउंड का दूसरी तरफ का व्यू है, वो उधर फ्रंट साइड का था, ये बैक साइड का, देखिए इनकी बाउंड्री में वो GNCT भाई, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यार, काफ़ी बड़ा, और ग्राउंड में भी ये झरना लगा हुआ है, देखो भाई कितना बड़ा ग्राउंड है, और वहाँ इतने बड़े ग्राउंड में 3 बच्चे बैठे हैं। और अच्छा जी ये देखो ये गेट है ग्राउंड का,
यहाँ पे शूटिंग हुई थी पता है, किस चीज की शूटिंग हुई थी? हनी सिंह के गाने की हुई थी और एक कार्तिक आर्यन की मूवी थी, कुछ छोटा सा पार्ट था उसमें। क्या है वरुण धवन की कौन सी मूवी थी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मोस्टली बंदों ने देखी होगी और यहीं का पार्ट है वो। हाँ मतलब ये काफी मतलब मैं शारदा का भी ब्लॉग बनाऊंगा गाइस, और जिसमें बहुत सारी शूटिंग होती रहती है। मतलब कॉलेज जो है ना यार काफी नामी है, तो यहाँ पे जो काफी सेलिब्रिटी आते रहते हैं यार, कोई किशोरी लाल कुछ आलिया भट्ट वगैरह सब सब कोई आ चुके हैं यहाँ पे। ये भाई इनमें कुछ कॉम्पिटिशन यहाँ कहाँ थी, कलकौटिया में सोटी गाँव अभी रिसेंटली कोई सहारा अली खान आई थी शूट करने, वो तो उसमें आई थी यूनिवर्सिटी, यहाँ आई थी यहाँ। देख लीजिए बिल्कुल पास आ चुका हूँ, ये सेकंड राइट हैंड साइड है ब्लॉक का, और ये देख लीजिए भाई ये बिल्डिंग है, ये क्लासेस है ना शायद। हाँ क्लासेस भी भाई कितनी डिजाइन में बना रखे हैं यार, यार यूनिवर्सिटी से कम नहीं है ये। अरे भाई वो देखो अपना पोज दे रहा बंदा, आईआईटी एनआईटी से। प्लीज लाइक हिम इफ एनी हैव डाउट अगेन। चलो भाई अब टर्मिनेट करते हैं ब्लॉग को, ठीक है, और सब चीज़ दिखा चुके हैं हम इसकी, जितनी हमें दिखी है हमने सारा चारों कोने कवर कर लिए इसके, ठीक है भाई, तो हम टर्मिनेट करते हैं। भाई ये है बिल्कुल गैज बाहर का व्यू है, बिल्कुल हम रोड पर आ चुके हैं मेन रोड पर, और ये गलगोटिया के बाहर का व्यू है, ये मेन रोड है भाई, यहीं से आओगे आपके जो ऑटो वगैरह हैं बाहर खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत हो ऑटो 10 रुपये लेता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, ये बाहर गेट है, एंट्री वगैरह आपकी आईडी वगैरह लेगा, ये कैब वगैरह भी चल रहे हैं, ये भाई अपने आइसक्रीम वगैरह भी है, चटपटे खाने पीने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो कम लग रहा है कोरोना के हिसाब से, नहीं तो ये पूरी भरी रहता है रास्ता। ये पीछे एक और ग्राउंड है, ये सरकारी ग्राउंड है, ये अपने भाई थक गए हैं काफ़ी व्लॉगिंग करके, ये तो भाई। और गाइस ये मेट्रो स्टेशन है, इसका गलगोटिया का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है भाई। रजत इसका नाम क्या है मेट्रो स्टेशन का? हाँ परीचौक मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल। हाँ मतलब कौन सा है फिर? गलगोटिया मेट्रो स्टेशन है। हाँ ये गलगोटिया मेट्रो स्टेशन है, कहीं से भी आपको आना हो सीधा इस मेट्रो स्टेशन से उतरो और सीधा कॉलेज नीचे गिरा देखो। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, भाई हमने कम से कम आधे एक घंटा लग चुका है इसमें, जब से हम घूम रहे हैं इसमें ब्लॉग बना रहे हैं, आपको एक एक कोना कोना छान के दिखाया है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं गलगोटिया में। बहुत मेहनत करिए, फॉर्म भरने आए थे सुबह से खड़े हैं और आपके लिए वीडियो ही बनाया हमने, पूरा ब्लॉग बनाया गाइस, तो मैं चाहता हूँ आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरी कि हमें 1000 लाइक मिल जाए, और ये आप बहुत जल्दी पॉसिबल है, आप कर दोगे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और छोटी पीछे हमारे पीछे मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, स्टेशन। और भैया वीडियो को शेयर करो तभी तो लाइक वगैरह बढ़ेंगे। हम मेरे पे मैसेज आए थे भाई इंस्टाग्राम पे कि भाई कोई गलगोटिया वगैरह कॉलेज का भाई कुछ बताओ, मतलब बनाने के लिए मेरे पास भी आ गए थे, जानकारी पूछ रहे थे वो एक एक जगह, और अब हमने जानकारी नहीं पूरा व्लॉग ही बना दिया आपको, सब चीज आपने वीडियो देख ली तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है भाई। तो भाई आपने देखा होगा पीछे का पूरा, और भाई ऐसा नहीं है केवल आपके आपको ही मजा आ रहा, हमें भी ब्लॉग बनाने में मजा आता है, ठीक है। तो काफ़ी हमने चाय वगैरह पी है और काफ़ी नए बंदे मिले हैं हम यहाँ से, कुछ मतलब नए नए बंदों से मिलने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। चलो भाइयों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आने वाला है। हाँ कोई और कॉलेज मिलेगा तो हम उस पर वो बुक कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान।